हेलो फ्रेंड्स, आई एम सीए वर्धमांडा का फ्रॉम आरएम इंस्टीट्यूट। आज इस वीडियो में जितने भी सीए फाउंडेशन वाले स्टूडेंट हैं जिनका कल इकोनॉमिक्स का पेपर है, उनके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है। ध्यान से सुनना, कुछ बातें है सर, प्लीज ध्यान देना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बात यह है, सबसे पहली बात, जिन स्टूडेंट का सर अभी तक इकोनॉमिक्स और बीसी के प्रिपरेशन हो गया है, जिन्होंने प्रिपरेशन कंप्लीट कर लिए, स्टूडेंट का सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि सर अब हम क्या करें। मेरे हिसाब से जितने भी स्टूडेंट है, अब सब स्टूडेंट को क्या करना चाहिए, एमटीपी देखना चाहिए। चाहे इस बार की एमटीपी देखो, लास्ट अटेम्प्ट की एमटीपी देखो, उसके लास्ट अटेम्प्ट की एमटीपी देखो, लास्ट दो तीन अटेम्प्ट की एमटीपी देख के जाना चाहिए सर। एग्जाम में इसमें से फंसने के बहुत चांसेस होते हैं। जिन स्टूडेंट ने अभी तक इंस्टीट्यूट मैथ के क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं किए, सेल्फ असेसमेंट क्वेश्चन कंप्लीट नहीं किए या एडिशनल क्वेश्चन कंप्लीट नहीं किए, पहले ये सब कंप्लीट करो, ये सब कंप्लीट कर लो, दो तीन अटेम्प्ट के एमटीपी सॉल्व कर लो। अगर आपने इतना कर लिया, विश्वास करो आपका इकोनॉमिक्स में 60 प्लस गारंटीड हो जाएगा। और अगर थोड़ा भी प्रॉपर, अगर सेम टाइप की सिचुएशन, सेम टाइप के इजी क्वेश्चन पेपर आ गए, तो 70 प्लस भी गारंटीड हो जाएगा। मैं आपको ये सब बात इसलिए समझा रहा हूं, मेरी बात ध्यान से सुनो सर, इकोनॉमिक्स के पेपर में इंस्टीट्यूट जान मुझ के पूरे इकोनॉमिक्स के पेपर में 5 से 7 क्वेश्चन ऐसे देगी जो आपको अच्छा खासा घुमाएंगे इकोनॉमिक्स में। प्लस बीसीके में भी 4-5 ऐसे क्वेश्चन रहेंगे जो बहुत आपको घुमाएंगे, परेशान करेंगे। एक बात याद रखना, जो क्वेश्चन आपको बेहतर नहीं आता है उसको छोड़ना, मूव करना, आगे बढ़ना। जो क्वेश्चन बेस्ट आता है उनको पहले करना, क्योंकि सर समझो हमें टाइम मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट है। देखो मेरा तरीका ये रहता है, पहले जो क्वेश्चन सबसे बेस्ट आते हैं उसको कर लो, फिर वो क्वेश्चन को पिकअप करो जिसमें 50-50 लग रहा है, फिर वो क्वेश्चन पिकअप करो जो ऐसा लग रहा है सर कि एकदम ही नहीं आता, कैसे करे क्या करे, आखिरी में वो क्वेश्चन को देखना। सर क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा अटेंड करने की कोशिश करना सर। याद रखना सर, मैंने लास्ट मिनट टिप वाली जो वीडियो डाली थी इकोनॉमिक्स में, उसमें आपको कैलकुलेट करके भी ये बताया था सर कि जो बंदा ज्यादा क्वेश्चन अटेंड करता है उसके लिए ज्यादा फायदे वाली बात होती है सर। तो कम क्वेश्चन अटेंड करने की कोशिश मत करना। कोई क्वेश्चन का अगर आंसर क्लिक ना करें तो उस क्वेश्चन को 5 बार ऑप्शन के साथ पढ़ना, कुछ ना कुछ क्लिक करेगा, कुछ ना कुछ जो क्लिक करेगा पहली इंट्यूशन में वो आंसर आप टिक कर सकते हो। मेरे को ही पता है सर नेगेटिव मार्किंग है, पर सर आप समझो 0.25 नेगेटिव मार्किंग है, पर उस 0.25 के चकल्लस में अगर कोई स्टूडेंट ने सिर्फ 70 क्वेश्चन अटेंड करके आया तो याद रखना सर उसका पेपर कभी 100 मार्क्स का होगा ही नहीं, पेपर हमेशा 70 मार्क्स का होगा। मेरे हिसाब से हर एक स्टूडेंट को ऑन एन एवरेज सर 80 से 90 क्वेश्चन अटेंड करना चाहिए इकोनॉमिक्स में, तब आपके अच्छे स्कोरिंग बनेंगे, तब आपका एग्रीगेट बनेगा। मेरे ख्याल से आपको मेरी बातें समझ आई होगी। मैंने भी सर आप लोगों के लिए इकोनॉमिक्स और बीसीके का मैराथन लिया, इससे पहले लॉ का मैराथन लिया। आई होप ये फाउंडेशन के एग्जाम भर में अपन ने साथ बैठ के बहुत मेहनत करी है सर। एक रात की बात है, एक रात अपने आप को घस दो सर, क्या होगा जैसा था आपके नीचे डार्क सर्कल्स आ जाएंगे, हम अगले दिन एग्जाम के टाइम पे भूत दिखेंगे और क्या होगा सर, कोई फर्क नहीं पड़ता। एक रात है, जी जान लगा दो, मेहनत कर दो, इतनी जबरदस्त मेहनत कर दो कि सर हमारा इतना जबरदस्त इकोनॉमिक्स पेपर जाए कि जो पीछे के पेपर में अगर थोड़ा अप एंड डाउन वाली सिचुएशन हुई हो या जहां पर एग्रीगेट शॉर्ट होने वाली बात आई हो, ये पेपर सब कुछ कवर कर दे। ठीक है, तो आई होप मेरी बातें आपको समझ आई होगी। प्लीज इसे फ्रेंड्स तक शेयर करना, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनको ये डाउट है कि अब हम क्या करें क्या नहीं करें और कैसे प्रोसीड करना है। और एक बात याद रखना सर, मेरे तरफ से पहले तो सबको ऑल द बेस्ट, सब स्टूडेंट को ऑल द बेस्ट, और कल मेरे को बताना आप लोग का इकोनॉमिक्स का पेपर कैसा रहा। बट एक जाते जाते मैं आपको एक बात समझाता हूं सर। सर एक चीज याद रखना, जब तक आप अपने अंदर से जुनून रखोगे, हार नहीं मानोगे, याद रखना सर इंस्टीट्यूट भी आपको फेल नहीं कर सकती, इंस्टीट्यूट भी आपका कुछ नहीं कर सकती जब तक आपके अंदर कॉन्फिडेंस है। अगर आप में कॉन्फिडेंस है तो आप कुछ भी कर सकते हो। और याद रखो सर, आप स्टूडेंट हो और स्टूडेंट का पावर बहुत होता है सर। ठीक है, तो विश्वास रखो, मेरी बात ध्यान रखना, और एक रात की मेहनत है, जी जान लगा दो सर। कल के बाद तो एंजॉयमेंट एंजॉयमेंट है, पार्टी जय सर, फिर न्यू ईयर भी आ ही रहा है। ठीक है, चलो ध्यान रखना, ये चीज फ्रेंड्स तक शेयर करना क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। और सर मिलते हैं कल रात को, जहां पर अपन ये देखेंगे कि आप लोगों का कैसा फाउंडेशन का पेपर रहा और आगे हमें क्या करना चाहिए। ठीक है, चलो थैंक यू फ्रेंड्स।